जय बोलो बाबा भैया देश राज की। मन बसगी चमक तेरे ताज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की। जय बोलो भैया बाबा देश राज की। मन बसगी चमक तेरे ताज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की। कोई शादी या कोई भी शुभ कार्य करना होता है, सबसे पहले इस गांव के लोग, इस क्षेत्र के लोग महाराज जी के चरणों में जाते हैं, पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद ही कोई नया कार्य शुरू करते हैं। दूसरी गली में क्या बताया। शक्कर दूध से बाबा जी तेरा भोग लगावे से, कारज से पहले बाबा जी तुम्हें को मनावे से, सारा क्षेत्र बाबा तेरे चरणों शीश झुकावे से है, सारा क्षेत्र बाबा तेरे चरणों शीश झुकावे से, सारा क्षेत्र बाबा तेरे चरणों शीश झुकावे से। तननी वे जमाती राम राज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की। जब यहाँ रेल लाइन शुरू हुई थी तो इस महाराज जी के चरणों में इस मंदिर पर कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, और इतनी शक्ति थी कि रेल के पहिए जाम कर दिए। उसके बाद जब प्रसाद चढ़ा गया इस बाबा को, इस शक्ति को, तब आगे रेल का आना जाना शुरू हुआ। तीसरी कली में क्या बताया, क्या बखान किया। पहचानी थी तेरा ही प्रसाद चढ़े जब वो आगे जानी थी, सारे जग ने बाबा तेरी शक्ति जब भी मानी थी, सारे जग ने बाबा तेरी शक्ति जब भी मानी थी, सारे जग ने बाबा तेरी शक्ति जब भी मानी थी। ओ सारे क्षेत्र में ये आवाज है, मन बसगी चमक तेरे ताज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की। तरफ से बाबा के चरणों में ये चंद लाइन है कि बाबा ये जो समाज, ये जो क्षेत्र, ये जो बालक तेरे चरणों में बैठे हैं, जो तुझे मानते हैं, इनके सर पे तुझे हमेशा दया का, करुणा का हाथ रखना है। आइए सब मिलकर सबकी तरफ से दो लाइन है, क्या बताया। हाथ जोड़ सर नावे बाबा, सर पे हाथ रखिए तू, अपने भक्तों को बाबा जी अपने साथ रखिए तू, गौतम बाटी तेरा बालक दया ये नाथ रखिए तू, गौतम बाटी तेरा बालक दया ये नाथ रखिए तू, गौतम बाटी तेरा बालक उनका हाथ रखिए तू। हंसराज का बजे सर में साज की, रमन मुर्गी चमक तेरे ताज की, बसगी चमक तेरे ताज की। जय बोलो बाबा भैया देश राज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की, मन बसगी चमक तेरे ताज की, बसगी चमक तेरे।
तेरे ताज की, पछड़ी चमक तेरे ताज की। बोला बाबा भैया देश राज्य की।